नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश के निशाने पर RSS हेडक्वार्टर, बड़े नेताओं को भी खतरा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी के RSS का नागपुर स्थित मुख्यालय इस वक्त आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के निशाने पर है। खुफिया सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जैश के आतंकियों ने हाल ही में संघ मुख्यालय की रेकी की है। सूत्रों के मुताबिक संघ के बड़े नेता भी आतंकियों के निशाने पर हैं। नागपुर के कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि कुछ दिनों पहले नागपुर में जैश ए मोहम्मद के कुछ लोग आए थे और कई महत्वपूर्ण ठिकानों की उन्होंने रेकी की है, जिसके बाद इन ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि मामला संवेदनशील होने की वजह से पुलिस कमिश्नर ने अधिक जानकारी देने से साफ मना कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर। दिल्ली मुंबई में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। महाराष्ट्र में 364 डॉक्टर्स हुए संक्रमित। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना के मामलों में फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना के 17,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए, तो वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना मामलों का आंकड़ा 20,000 को पार कर गया है। दिल्ली और महाराष्ट्र कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। अगर मुंबई की बात करें तो यहां शुक्रवार को कोरोना के 20,971 नए मामले दर्ज हुए, साथ ही 8,490 कोरोना मरीज ऐसे थे जो ठीक हो चुके हैं। मुंबई में शुक्रवार को कोरोना से 6 मरीजों की मौत भी हुई है। इसके अलावा 1,395 कोरोना मरीज अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। मुंबई के अस्पतालों में 35,000 से ज्यादा कोरोना बेड तैयार किए गए हैं, जिनमें से 6,532 बेड इस्तेमाल में हैं। कोरोना की वजह से मुंबई की 123 से ज्यादा इमारतें सील की गई हैं और फिलहाल यहां 6 कंटेनमेंट जोन एक्टिव हैं। उधर पूरे महाराष्ट्र में करीब 364 रेजिडेंस डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं बात करें दोस्तों दिल्ली की, तो दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना के 17,335 केस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद संक्रमण दर 17.73% पहुंच गई। राजधानी में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर। फिरोजपुर में पाकिस्तानी नाव मिलने से हड़कंप। कुछ दूर पर ही फंसा था पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के जिस इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका गया, वह फिरोजपुर जिला काफी संवेदनशील माना जाता है। पाकिस्तान की सीमा से सटा होने की वजह से यह हमेशा सक्रिय रहती है। जिस इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुका था, वह जगह भी पाकिस्तान सीमा से महज कुछ किमी दूर पर है। इस क्षेत्र में कई बार टिफिन बम और विस्फोटक भी बरामद हो चुके हैं। नवंबर में दिवाली से पहले भी भारत पाकिस्तान सीमा के गांव से पुलिस ने टिफिन बम बरामद किया था। यहां से हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए जा चुके हैं और अब फिरोजपुर में सीमा सुरक्षा बल ने सतलज नदी से एक पाकिस्तानी नाव बरामद की है। बरामदगी के वक्त यह नाव खाली थी। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। ये पता लगाया जा रहा है कि यह नाव यहाँ कब आई, इसमें कौन सवार थे और इसे यहाँ लाए जाने का मकसद क्या था। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE छात्रों को दी बड़ी राहत। अब नंबर्स को लेकर मिलेगा यह ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को CBSE के पिछले साल जून की मार्क्स इंप्रूवमेंट पॉलिसी में दी गई उस शर्त को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि बाद की परीक्षा में प्राप्त अंकों को कक्षा 12वीं के छात्रों के मूल्यांकन के लिए अंतिम माना जाएगा। कोर्ट के इस फैसले से छात्रों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब इम्प्रूवमेंट एग्जाम में मिले नंबर्स को फाइनल नहीं माना जाएगा। जस्टिस AM खानविकर और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE अंतिम परिणाम की घोषणा के लिए प्रतिभागी को अंतिम शैक्षणिक वर्ष में किसी वर्ष में प्राप्त 2 अंकों में से बेहतर को स्वीकार करने का ऑप्शन देगा। न्यायालय पिछले साल CBSE की ओर से क्लास 12 के अंकों में सुधार के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल हुए कुछ छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि 17 जून 2021 की पॉलिसी के खंड 28 में प्रावधान के बारे में शिकायत की गई है, जिसमें कहा गया है कि इस नीति के अनुसार इम्प्रूवमेंट एग्जाम में हासिल अंकों को आखिरी माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर। ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए पहली स्वदेशी किट है ओमिश्योर। ICMR से मिली मंजूरी।
जी हाँ दोस्तों, भारत में एक नई टेस्ट किट को अनुमति दी गई है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में पता लगा सकती है। भारत में तीसरी लहर के बढ़ने के बीच जांच सुविधाओं पर भी दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में टाटा मेडिकल एंड डायग्नोसिस ने ओमिश्योर नाम की एक टेस्ट किट तैयार की है जिससे ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली दुनिया की पहली किट बताया जा रहा है। TMD के शोध एवं विकास विभाग के प्रमुख रवि वंसतपुरम का कहना है कि इस टेस्ट के जरिए ओमिक्रॉन को अलग करने में मदद मिल सकती है। RT-PCR टेस्ट किट की ही तरह ओमिश्योर के लिए भी नाक और मुंह से सैंपल लिया जाता है और यह किट भारत की किसी भी PCR मशीन में काम कर सकती है। वंसतपुरम ने बताया कि ओमिश्योर टेस्ट का वक्त 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा है। इसके बाद ये एसजीन टारगेल फेलियर और एस जीन म्यूटेशन को मिलाकर ओमिक्रॉन का पता लगाने में सक्षम हो जाता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के आकलन के मुताबिक यह किट 100% सटीकता दिखा रही है। TMD ने प्रयोगशालाओं के लिए ओमिश्योर की एक टेस्ट किट का दाम 250 रुपए रखा है। कंपनी का रोजाना 2 लाख किट उत्पादन का लक्ष्य है जिसे जल्द ही 5 लाख रोजाना पर लाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, GDP ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए जारी किया एडवांस एस्टीमेट। जी हां दोस्तों, मार्च 2022 में समाप्त चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत के GDP में 9.2% वृद्धि होने का अनुमान सरकार ने लगाया है। सरकार द्वारा जारी पहले एडवांस एस्टीमेट से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था COVID-19 के दुशावरियों से बाहर आ रही है और गति पकड़ रही है। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी GDP ग्रोथ का अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए अनुमान से कम है। RBI ने GDP में 9.5% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में GDP में 8.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इस प्रकार भारत सबसे तेजी से विकसित होने वाली बड़ी इकोनॉमी में से एक बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, महंगी हुई इस बैंक की सर्विसेज, 18 करोड़ लोगों पर होगा सीधा असर। जी हां दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक कई बैंकिंग सर्विसेज के चार्जेस बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लागू होने के बाद मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर अधिक पैसे देने होंगे। इसके अलावा लॉकर सर्विसेज और बैंक अकाउंट बंद कराने की फीस भी बढ़ जाएगी। PNB के इस फैसले का 18 करोड़ से ज्यादा लोगों पर सीधा असर पड़ सकता है। PNB की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार नई दरें 15 जनवरी 2022 से लागू होंगी। नए बदलाव लागू होने के बाद मेट्रो शहरों के कस्टमर्स के लिए मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस की लिमिट भी बढ़ जाएगी। अभी ऐसे कस्टमर्स के लिए 5,000 रुपए की लिमिट थी, 15 जनवरी से ये लिमिट बढ़कर 10,000 रुपए हो जाएगी। यानी इस श्रेणी के ग्राहकों को अब 10,000 का क्वार्टरली एवरेज मेंटेन नहीं कर पाने पर चार्जेस देने होंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम समाचार। दोस्तों अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश और भारी हिमपात संभव है। उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन राज्यों में अलग अलग ओलावृष्टि की गतिविधियां भी संभव है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, गुजरात के अलग अलग हिस्सों, विदर्भ और मराठवाड़ा में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। उत्तरी कोंकण और गोवा, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में छिटपुट हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज के सोने और चांदी के दामों का। तो दोस्तों सोने और चांदी की कीमतें आज फिर से कम हुई है। शुक्रवार को दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बहुमूल्य धातुओं के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में गिरावट के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 301 रुपए टूटकर 46,415 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 46,716 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं बात करें दोस्तों चांदी की, तो चांदी की कीमत में भी 402 रुपए की गिरावट आई है जिससे चांदी 59,044 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 60,446 रुपए प्रति किलोग्राम थी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, चीन के कर्ज जाल में फंसी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था, दिवालिया होने की कगार पर। जी हां दोस्तों, चीन के कर्ज में डूबे पड़ोसी देश श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बेहद बुरे दौर से गुजर रही है।
वह महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग खाने पीने का सामान खरीदने के लिए जूझ रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते खजाना लगातार खाली हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। चीन से लिया कर्ज चुकाना श्रीलंका के लिए मुश्किल हो गया है और वो अब कभी भी दिवालिया हो सकता है। पटरी से उतरी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के पीछे सबसे बड़ी वजह उसका कर्ज में डूबा है, जो कर्ज उसने चीन से ले रखा है। देश को अगले 12 महीने में 7.3 अरब डॉलर यानी भारतीय करेंसी के हिसाब से करीब 54,000 करोड़ रुपए का घरेलू और विदेशी कर्ज चुकाना है। कुल कर्ज का लगभग 68% हिस्सा चीन का है। उसे चीन को 5 अरब डॉलर चुकाने हैं। पिछले साल श्रीलंका ने गंभीर वित्तीय संकट से निपटने के लिए चीन से अतिरिक्त 1 अरब डॉलर यानी करीब 7,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसका भुगतान किस्तों में किया जा रहा है। यही वजह है कि श्रीलंका आज दिवालिया होने की कगार पर है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, नवंबर के रिकॉर्ड हाई से 40% तक लुढ़का बिटकॉइन, निवेशकों को हुआ 20 लाख का नुकसान। जी हाँ दोस्तों, भारत में क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को लेकर छिड़ी बहस के बीच दुनिया की सबसे प्रचलित क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत में पिछले कुछ समय से गिरावट जारी है। शुक्रवार 7 जनवरी को भी इसमें गिरावट दर्ज की गई। इसकी कीमत लुढ़ककर 42,000 डॉलर यानी के 31.21 लाख रुपए से नीचे आ गई है। ये नवंबर 2021 में बने रिकॉर्ड हाई से 27,000 डॉलर करीब 20 लाख रुपए या 40% तक लुढ़क चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत में नवंबर 2021 में 69,000 डॉलर यानी कि 51.28 लाख रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। तब से इसकी कीमत में अब तक 27,000 डॉलर की गिरावट आ चुकी है। शुक्रवार 7 जनवरी को बिटकॉइन की कीमत में 4.9% गिरावट आई, जिससे ये 41,008 डॉलर पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, 5G से 100 गुना तेज भगेगा इंटरनेट, चीन का दावा, रिसर्चर्स ने बनाई 6G टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, चीन ने 6G मोबाइल टेक्नोलॉजी में सफलता हासिल करने का दावा किया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन में रिसर्चर्स ने 206.25 गीगाबिट प्रति सेकंड की वर्ल्ड रिकॉर्ड वायरलेस ट्रांसमिशन स्पीड हासिल की है। इसका मतलब यह है कि 6G में 5G से 100 गुना तेज इंटरनेट चलेगा। 5G टेक्नोलॉजी अभी दुनिया के अधिकांश हिस्सों में रोल आउट किया जाना है। 206.25 गीगाबिट की स्पीड काफी ज्यादा है और ये यूजर्स को केवल 16 सेकंड में 4K में सभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्मों के पूरे 59.5 घंटे को डाउनलोड करने में सक्षम बनाता है। दक्षिण कोरिया न्यूज आउटलेट की रिपोर्ट में टेलीकॉम उपकरण प्राइवेटर्स का हवाला देते हुए कहा गया है कि 6G टेक्नोलॉजी के 2030 के आसपास बाजार में प्रवेश करने की उम्मीद है।